छोटे छोटे गोरख धंधों में फंसा देते हैं। कैसे गोरख धंधे हैं? उनको जाति के संगठन में बैठा देंगे, उनको छोटे मोटे देवराज सर आए हैं आप जी। सर आए सर, आ गया सर, मैं आ गया। आज हमारा शुभ शनिवार है। ये शुभ शनिवार हमको हमेशा याद रखना चाहिए। और जैसा कि पूरे भारत और भारत के बाहर के जितने भी हमारे समर संगी हैं, उन्होंने इस वाले हाउस में 1 तारीख को दिल्ली, इस बार दिल्ली 10,000 पार, यानी कि दिल्ली फरवरी 2023 में 10,000 पार करेंगे हम सारे के सारे मिलके। और फरवरी का महीना इसलिए रखा गया है कि हमारे जो जितने भी NRI संगी हैं वो फरवरी के मौसम में आसानी से आ सकते हैं। गर्मी में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, पर फरवरी का महीना उनके लिए अच्छा होता है। और अभी से तैयारी करेंगे, टिकट वगैरह कराएंगे तो टिकट भी सस्ते में मिल जाएगी। जून के महीने तक दिल्ली वाले जितने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जगह बुक करवाएंगे, और जैसे ही जगह बुक हो जाएगी, डेट आ जाएगी, वैसे ही इस बार दिल्ली 10,000 के नारे के साथ साथ हम पूरे मैदान में उतरेंगे। 10,000 ही मुंबई में इकट्ठे होंगे, 5,000 नागपुर में इकट्ठे होंगे, 1,000 अभी यहाँ हरियाणा में इकट्ठे होने वाले हैं। अब 1,700 की मीटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, यानी कि हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि संघ जब जहाँ चाहता है 1,000-1,200 आदमियों की मीटिंग आसानी से लगा लेता है, जब जहाँ चाहता है। जंगल में भी अगर संघ को आदेश हो जाए कि जंगल में मीटिंग लगानी है तो संघ वहां भी 1,000-1,200 आदमी 1 हफ्ते के नोटिस पे वहां आपको दे सकता है। यानी कि हमारा परिवार मजबूत होता जा रहा है, हम एक लाइन में आते जा रहे हैं, हम डिसिप्लिन में आते जा रहे हैं, अनुशासन में आते जा रहे हैं कि संघ जब आदेश करता है तो उस आदेश की पालना लोग ऐसे करते हैं जैसे उनका मजहब हो, जैसे उनका रिलीजन हो, जैसे उनका देश हो, जैसे उनका संविधान हो, और जैसे बुद्ध ने संघ पे पूरा पूरा संघ को अनुशासित किया उस तरह से, और जैसे हमारे पूर्वजों ने पहले संघ अनुशासित किए वैसे। ये एक बहुत खुशी की बात है क्योंकि 400-500 साल बाद हम दोबारा से अनुशासित होकर एक डोर में लगातार बंध रहे हैं। और फरवरी में इस बार जब 10,000 पार करेंगे हम, तो वो क्षण हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अभी से उसमें लग जाना है और जुट जाना है। डेट जब आएगी जब आएगी, पर ये मानते हुए कि फरवरी में दिल्ली में 10,000 पार होगा, पूरे देश और बाहर की खासतौर से NRI अभी से तैयारी करेंगे, डेट उनके पास आ जाएगी। ये जो हमारा सन्निपात बाहुल का जो दिन है, यानी शुभ शनिवार है, इसको बार बार याद करना चाहिए। इसको बार बार ऐसे याद करना चाहिए जैसे हम अपने पुत्र को और पुत्री को याद करते हैं, क्योंकि अपने बेटे और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हम जितने चिंतित रहते हैं, ये शुभ शनिवार हमारी सुरक्षा का दिन रहा है। और हमें अगर शुभ शनिवार याद रहता है, सन्निपात बाहुल रहता है, याद रहता है, तो हमें अपने बेटे और बेटी की सुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी। पुराने समय में बुद्ध से भी पहले सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते थे, एक साथ जमा होते थे, उसको बोलते थे सन्निपात। और चूंकि बहुत सारे इकट्ठे होते थे, उसको बोलते थे बाहुल, यानी सन्निपात बाहुल। ये सन्नी सिन्नो, यानी के साथ साथ बैठना, नीचे बैठना, पेड़ों के नीचे बैठना, एक साथ बैठना, ये सन्निपात बाहुल इतना जबरदस्त कार्यक्रम था कि ये लगभग 7 दिन बाद आता था। और 7 दिन बाद उस दिन कोई काम कहीं नहीं होता था, सिर्फ एक काम होता था कि आज जंगल के कामों से छुट्टी है, जानवरों को तो निहार वगैरह देना, वो तो देना ही है, खेती के काम से छुट्टी है, जो कपड़े बुनने का काम है हम ही लोग करते थे सारे, जो इंडस्ट्री का काम है हम ही लोग करते थे उससे छुट्टी है, जो हम सेना के अंदर भर्ती थे उससे छुट्टी है, जो हमारे बड़े बड़े जो कबीलों के जो गणनायक थे उनसे छुट्टी है, सारे के सारे लोग एक साथ मिला करते थे, चाहे वो कुछ भी काम करते, और वो सारे मिलके वहां पर अपने दुख दर्द सुख दुख शादी ब्याह इन सब की बातें क्या करते थे, आगे आने वाले जो मुसीबतें उनकी चर्चा करते थे, पहले जो मुसीबत आई उनकी। और हर एक व्यक्ति के पास में सत्तक दंड होता था। सत्तक दंड का मतलब है शस्त्र, वो डंडा जिसमें शस्त्र लगा हो, वो डंडा जिसमें कोई ना कोई लोहे की या तांबे की नुकीली चीज लगी हो,
वो डंडा जिसकी धार बनी हो, ऐसे 11 प्रकार के सत्तक दंड तो हमारे भिक्कू रखते थे। और हमारे जो भिक्कू के अलावा, तो उस समय जो 11 प्रकार के सत्तक दंड थे, यानी ऐसे डंडे जिनमें शस्त्र लगे होते थे, वो तो भिक्कुओं के और भिक्कुणी के लिए अलाउ थे। हमारे लिए तो हर प्रकार का शस्त्र और हर प्रकार का दंडा हमारे साथ उच्च सन्निपात बाहुल के अंदर हर व्यक्ति के हाथ में होता था, हर व्यक्ति के हाथ में। क्योंकि हमें जानवरों से लड़ना होता था, हमें जंगलों में शिकार करना होता था, हमें जंगल में कोई चीज दिखाई दे उसे लड़ना होता था, और इसके अलावा जो लोग शत्रु होते थे उनसे भी हमें अपने परिवार की और अपनी रक्षा करनी होती थी। वो सारा का सारा सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम जो डेवलप हुआ और जो हमारे लोगों ने डेवलप किया, उसको सन्निपात बाहुल के डे के नाम पे वहां जाते थे। और इस सन्निपात बाहुल से सन्निपात चर्या पड़ी। सन्निपात चर्या मतलब उस दिन हफ्ते में 7 दिन, एक दिन हमको चर्या करनी है। चर्या मतलब चलकर क्रिया करनी है, जैसे हम दिनचर्या करते हैं, दिन को चलाते हैं, वैसे ही उस दिन हमें सन्निपात बाहुल को चलाना है। और ये सन्निपात बाहुल को चलाने की सन्निपात चर्या से सन्निचर्या हुई, और सन्निचर्या से सनिचर हुआ, और सनिचर से शनिवार हुआ। इसको बाद में, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का दिन था और ये हमारा सबसे बड़ा दिन था, इसलिए हमारे जो शत्रु होते थे वो उस दिन अपने अपने पत्थरों में, अपनी अपनी गुफाओं में, अपने अपने खो में, या पेड़ पत्थरों में, या जंगलों के पीछे छुप जाया करते थे। आज ये इकट्ठे हो रहे हैं, हमने इनके साथ अगर कुछ किया होगा तो ये आज हमें छोड़ेंगे नहीं। वो डरते थे इस बात से, और ये डर बना रहता था, क्योंकि हम सारे इकट्ठे होते थे संघ में, सारे के सारे हमारे पास में वहां सत्तक दंड होते थे। इसलिए दूर दूर तक भी कहीं कोई ना जानवर और ना कोई मनुष्य, हमारा शत्रु दूर दूर तक दिखाई देता था। इतनी बड़ी सुरक्षा हमारे परिवार की, हमारे बेटों की, हमारे बेटियों की, हमारी महिलाओं की होती थी, हमारे जानवरों की, और हमारे घर की, हमारे कबीलों की, और हमारे गांव की पूरी सुरक्षा उस समय होती थी। इसी सुरक्षा को खत्म करने के लिए इस शनिचर्या को, इस शनिवार को शनिचर्या बोल दिया, और शनिचर्या बदल दिया, क्योंकि शय पाली में नहीं होता, सय पाली में होता है। सन्नी को शनि कर दिया, और ये कह दिया कि इस दिन लोहा रखना बहुत ज्यादा मुसीबत का कारण है, पाप है, अशुभ है। जो लोहा हमारे लिए है, जो सत्तक दंड हमारे लिए है, जो हमारा सत्तक दंड था, जो हमारा राइट था, उसको हमारे लोगों से हटवा दिया, और हम बिना डंडे के और बिना सत्तक दंड के कर दिए, बिना हथियार का। बिना हथियार का आदमी क्या लड़ेगा और किससे लड़ेगा? वो जो हमारा पैदाइशी राइट था, जो हमारा फंडामेंटल राइट था, और जो हमें बहुत पहले से मिला हुआ था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को भर दिया और हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि ये हमारे लिए अशुभ है। और हमारी महिलाओं को कह दिया कि शनिवार को बाहर मत आने देना अपने बेटे को और अपने पति को, यह अशुभ होता है। तो शनिवार की शनिचर्या खत्म हो गई, शनिपात बाहुल खत्म हो गया, और सत्तक दंड खत्म हो गया। एक भ्रम से, एक अंधविश्वास से, एक चालबाजी से हमारी तीन सुरक्षा चली गई। इसलिए शनिपात बाहुल को ऐसे याद रखना चाहिए जैसे अपने पुत्र और अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए हम 24 घंटे याद रखते हैं। और हमको हफ्ते में हम एक भी दिन मिले या ना मिले, पर सन्निपात बाहुल को जरूर मिले, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने घर में, देश में, विदेश में, हर जगह मिले। एक कप चाय पिए, एक गिलास दूध पिए, एक कॉफी पिए, कुछ खाएं साथ में, खाने का बहाना, मिलने का बहाना, पर मिले जरूर। और एक बार शुभ शनिवार जरूर कहें, शुभ शनिवार कहें, या संघंग नमामि कहें, या शुभ शनिवार संघंग नमामि कहें, पर इस शनिवार को याद जरूर रखें। अगर सैटरडे को, शनिवार को याद नहीं रखेंगे तो पुरानी परंपरा, पुराना स्वच्छा का जो चक्र है उसको याद नहीं कर पाएंगे, और वो मेमोराइज नहीं हो पाएगा, वो याद नहीं हो पाएगा, तो आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो वो आपके बेटों की, आपकी बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुरक्षा तो संघ में है, और संघ सन्निपात बाहुल में है, और सन्निपात बाहुल याद करने में है, उसको लागू करने में है। इसलिए ये जो नगर सभाएं हो रही हैं, जो नगर संगति हो रही हैं, ये नगर संगति लगातार चलती रही। पहले भी नगर संगति हुआ करती थी, हर नगर के अंदर संगति नगर संगति कहलाती है। दिल्ली में जो संगति होने वाली है वो तो पूरे के पूरे जितना भी समण संघ है उसकी है, पर इसके अलावा जो अलग अलग नगरों में लगने वाली है वो नगर संगति है। हर नगरवासी को नगर संगति लगानी चाहिए, साल में कम से कम एक बड़ी पूरी, चाहे वो देश में है चाहे वो विदेश में है। और हर कस्बे वाले को कस्बे की संगति लगानी चाहिए, जो उसके कस्बे की टाउन की है, और हर गांव वाले को गांव की संगति लगानी चाहिए। फिर देश की संगति लगनी शुरू हो गई है,
हरियाणा की प्रदेश स्तर की जो संगति है वो लगने वाली है, जो गुजरात की है वो 23 सितंबर की है। 23 सितंबर को जो लोग जा सकते हैं वो जाएं, हवाई जहाज का टिकट बुक करा लें, क्योंकि हवाई जहाज का टिकट दिल्ली से आने जाने का अभी 6-7 हजार का आ रहा है और डेट फिक्स है वहां की 23 सितंबर। इसलिए जो लोग जहाज से जाना चाहते हैं वो तो टिकट बुक करा के रख लें, और जो ट्रेन से जाना चाहते हैं वो भी टिकट बुक करा लें, क्योंकि वो कार्यक्रम फिक्स है। और मुंबई का जो कार्यक्रम है वो भी उसकी डेट लगभग फिक्स है, 1-2 दिन में कटके सर और उनकी टीम पूरी पूरी महाराष्ट्र की वो आपको बता देगी। 2 कार्यक्रम वहाँ बड़े बड़े हो रहे हैं, ऐसा ही कार्यक्रम बड़े बड़े जितने भी है वो उत्तर प्रदेश में, जो 16 अक्टूबर का है वो फिक्स है, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और डॉक्टरों की मीटिंग में 26 जून को जो जाना चाहते हैं वो जबलपुर के अंदर फिक्स है, वहाँ उसकी तैयारी चल रही है। ये सारे के सारे समर संघ के जितने भी बड़े बड़े नगर संगति और नगर कार्यक्रम है ये लगातार चल रहे हैं, तो एनआरआई की भूमिका और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आज एनआरआई का डे है। हमारे जो एनआरआई हैं यानी जो यहां से गए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोई शौक में नहीं गए, वो रोजी रोटी के लिए गए, और जो मौके उनके यहां से छीन लिए गए वो मौके उन्होंने वहां जाकर प्राप्त किए, और वहां वो हमारी सुरक्षा का कवच बन गए। क्योंकि जो एनआरआई है, अगर कोई बात सारे मिलके वहां से कहते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है और वो उस बात को कहने में सक्षम है। पर भारत के जितने हमारे समण लोग हैं, समण संघी हैं, वो हमारे एनआरआई की इस पावर का सही इस्तेमाल नहीं जानते और ना ही सही इस्तेमाल वो कर पाए। हमारे जो संगठन हैं वो हमारे जो एनआरआई को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मंच पे आए, मंच पे बैठे, उनकी शोभा हो जाए, दुनिया उनको कहे अरे आपका तो लंदन से संबंध है, आपका तो न्यूयॉर्क वाले जानते हैं, आपका तो कनाडा वाले जानते हैं। ये झूठा सम्मान पाने के लिए वो उनको यहां बुलाते हैं, वो उनकी पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानते हो, ना ही वो करते, सिर्फ इसलिए जी कि आप आ जाना बैठना और हमारी टोपी में 4 पर लग जाएंगे कि हम एनआरआई को जानते हैं। एनआरआई आते हैं अपने लाखों रुपए खर्च करके आते हैं तो कोई मैसेज देने के लिए आते हैं, वो मैसेज नहीं लेते उनसे, वो सुरक्षा कवच नहीं लेते, बल्कि उनको यहां छोटे छोटे गोरख धंधों में फंसा देते हैं। कैसे गोरख धंधे हैं? उनको जाति के संगठन में बैठा देंगे, उनको छोटे मोटे धर्म के धार्मिक जो मंत्रों के उसके संगठन में फंसा देंगे, उनको क्षेत्र के संगठन में फंसा देंगे, उनको उनके एरिया का जो मोहल्ले पड़ोस का उसके संगठन में फंसा देंगे, उनको उनकी भाषा के संगठन में फंसा देंगे। ऐसे ऐसे संगठनों में उनको ला के उस जो व्यक्ति पूरा ग्लोबल हो गया, जो व्यक्ति पूरा इंटरनेशनल हो गया, उसको छोटा कर देते हैं, और खुद तो छोटे हैं ही, उसको छोटा कर देते हैं। एक एनआरआई जिसका ब्रॉड माइंड हो गया है और जो पूरी दुनिया को ग्लोबल समझता है और जो भारत की मदद करना चाहता है, भारत के समण लोगों की मदद करना चाहता है, उसको समण संघ नहीं देंगे वो लोग, उसको छोटे छोटे जाति के, उसके छोटे छोटे पंतों के, उसके छोटे छोटे संतों के, ऐसे ऐसे संगठन बनाकर उसको बुलाते हैं और उसके गले में माला डाल के टोपी पहनाकर फोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम नहीं करते। और दूसरा काम क्या करते हैं? एनआरआई आया है तो कुछ ना कुछ देगा। जो भी एनआरआई आता है वो खाली हाथ नहीं आता, वो कोशिश करता है कि मैं अपने भाइयों की मदद करूं, पर वो मदद सारी की सारी नाली में जा रही है, नाले में जा रही है, एक धारा एक समुद्र में एक नदी में नहीं जा रही है। सब पैसा बटोरने में लगे पड़े हैं और हर आदमी उनसे चाहता है, आए हैं तो कुछ डॉलर और कुछ पौंड दे के जाएंगे, वो शर्मा हजूरी में दे के जाते हैं, पर आदत बन गई उनसे पैसा लेने की, और उनका शकल देखते रहते हैं, जहाज की तरफ देखते रहते हैं कि कब जहाज आएगा और कब एनआरआई आएगा और कब उनको डॉलर और पौंड देगा। कोई उनके विचार और कोई उनकी मदद और कोई उनकी यूएनओ में भागीदारी है उसके लेने की सोच नहीं करता। यहां से जो नेता जाते हैं, नेता टाइप के लोग जाते हैं, वो उन एनआरआई को कहते हैं हमारे, वो उनका बड़ा तहे दिल से स्वागत करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उस इंतजार में रहते हैं कि ये एनआरआई हमें होटल कराएंगे, किसी जगह लेके जाएंगे, कुछ हमें पैसा देंगे और कहीं हमारा फोटो खींचेगा, और उस फोटो को एनआरआई के साथ में फोटो को लेके यहाँ व्हाट्सएप पे और यहाँ यूट्यूब पे और यहाँ फेसबुक पे धमकाते हैं भारत के समण लोगों को कि देखो मेरे कितने बड़े बड़े संबंध हैं, और उसका जिक्र करते हैं। और परिणाम क्या रहा है? परिणाम जैसे सारे संगठनों का यहाँ जीरो है और निगेटिव है और सारे अधिकार चले गए, वैसे ही उन एनआरआईओ की शक्ति का परिणाम भी जीरो। सारे एनआरआईओ को यहाँ के लोगों ने वहां जाके बांट दिया। जो एनआरआई वहां इकट्ठे हो जाते, जिनको इकट्ठा होना कहते, उनको अलग अलग वहां पंथों में, अलग अलग वहां धर्मों में, अलग अलग वहां मजहों में, अलग अलग वहां मोहल्लों में, अलग अलग वहां भाषा में, अलग अलग स्टेट में, वहां जाके उनको बांट दिया। और यहाँ के जो संत जाते हैं, जिनका वो बहुत स्वागत करते हैं, वो भी वहां संतों के अलग 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 ग्रुप बनाते हैं, और वहां वो जो करते हैं सिर्फ उनका एक काम रहता है कि किससे कितने डॉलर, किससे कितने पौंड मिले। ये पैसे का लेन देन और ये छोटी छोटी बातों ने हमारा पूरा बेड़ा गर्क यहां भी कर दिया और वहां भी कर दिया। इसलिए समण संघ की जो संगति फरवरी में होने वाली है, वो संगति अपने आप में एक मिसाल होगी।
उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि समर संघ किसी भी एनआरआई से पैसे नहीं लेता, समर संघ किसी भी आम आदमी से भारत के अंदर भी पैसे नहीं लेता, और समर संघ पूरे जीवन में कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करेगा आम आदमी से। तो जब पैसा नहीं लेंगे तो आधी बीमारी खत्म। यानी कि जो एनआरआई से समर संघ का रिश्ता है, जो समर संघ एनआरआई का वहां पर संघ है, वो ये बात फख्र से कह सकता है कि मेरे जो वहां भाई हैं उनको मेरी जरूरत है, मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। यानी समर संघ ये नहीं देखता कि मेरे वहां भाई के पास में पैसा है इसलिए वहां से उसको कॉल करना या बुलाना है। वो जो भाई वहां जुड़ा हुआ है उसको इस बात का यकीन है कि समर संघ के अंदर उसको बुलाया है, उसके पैसे को नहीं बुलाया, उसके डॉलर पाउंड को नहीं बुलाया। तो जो वहां से लोग आते हैं और जो चलते हैं उनको इस बात का यकीन है कि समर संघ के अंदर किसी भी हालत में उसको वहां मंच माला पे बैठा के टोपी पहना के या उसका वहां पर बहुत स्वागत सत्कार करके एक नमूना बना के नहीं बैठाया जाएगा, भाइयों के बीच में भाई की तरह बैठाया जाएगा। क्योंकि समर संघ के अंदर ना मंच है, ना माला है, ना पद है, ना पोस्ट है, तो भाई भाई के साथ बैठेगा तो गर्व का एहसास चार गुना हो जाए। तो समर संघ के अंदर एक बहुत खास बात यह है कि समर संघ में जब कोई पद नहीं और पोस्ट नहीं और इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो एनआरआईओं ने जो समर संघ है, जितने भी एनआरआई हैं जो वहां समर संघ में काम कर रहे हैं या जो आगे करने वाले हैं, वो अपने खुद मुख्तियार हैं, अपने खुद मालिक हैं, समर संघ के वो खुद वहां जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको यहां से कमांड करने की आवश्यकता नहीं है। यहां कोई कमांडिंग फोर्स नहीं है, यहां कोई कमांडिंग करने वाला है। वो कब वहां मीटिंग लगाते हैं, कब वहां वो इकट्ठे होते हैं, कौन सा सम्मेलन करते हैं, वो खुद तय कर सकते हैं, खुद वहां लोगों को बुला सकते हैं। वही पैटर्न है कि सब अपना खर्चा देंगे, अपने खर्चे से आएंगे, जो वहां वो कर सकते हैं। और जो मेरे ख्याल में 2023 के अंदर अंदर या 2022 के लास्ट में अंदर अंदर वहां दो चार वहां मीटिंग और सम्मेलन या संगतियां लगनी शुरू हो जाएंगी। ये चीजें इतनी जबरदस्त और इतनी क्रांतिकारी हैं कि दुनिया में जैसे जैसे लोगों ने एनआरआईओ के साथ में अपने संघ बनाए हैं, खासतौर जो भारत के जो कुछ लोग हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अपने लोग वहां इकट्ठे कर रखे हैं, हमारा पैटर्न उनसे भी बेहतर है क्योंकि हमारा ओरिजिनल पैटर्न है और हम इस पैटर्न पर कामयाब करके पूरी दुनिया के एनआरआईओ को इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें विश्वास है, इसमें यकीन है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति कभी जिंदगी में पैदा नहीं हो सकता और लीडरशिप इसमें कभी आ नहीं सकती और व्यक्तिवाद इसमें रहता नहीं है, क्योंकि यहां संगठनवाद की भी इजाजत नहीं है, इसलिए सिर्फ संघवाद चलता है और संघवाद में हर व्यक्ति का हिस्सा उतना ही होता है जितना कि काम करने वाले का, काम कराने वाले का। यहाँ कोई स्पेशल टर्म या स्पेशल पद नहीं होता। इसलिए जितने भी एनआरआई हैं वो अब बहुत भरोसे के साथ में, पूरे यकीन के साथ में, पूरे इत्मीनान के साथ में, पूरे फेथ के साथ में ये कह सकते हैं कि समर संघ उनका घर है और समर संघ में जिंदगी में उनको कभी भी किसी भी तरह से कोई निगेटिविटी या कोई धोखा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद समर संघ हैं, वो खुद समर हैं, उनके ऊपर आगे पीछे कोई नहीं है। इसलिए अगर गद्दारी या मक्कारी होगी तो वही लोग करेंगे जो समर संघ में होंगे, पर गद्दारी और मक्कारी करने का समर संघ के अंदर कोई रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई इसको लेके जा नहीं सकता, पैसे इसमें ले लेते नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है तो पैसा कभी कोई ट्रांसफर करा ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नेता नहीं है, इसके अंदर पद नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो कोई लेके इसमें से जाएगा क्या? इसमें सिर्फ एक काम होना है, जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ना है और जोड़ना है। ये काम आसानी से हो सकता है अगर आप किसी भी व्यक्ति को ये कहते हैं कि सिर्फ हमें तेरी आवश्यकता है, ना तेरे पैसे की आवश्यकता है और ना तेरी पावर की आवश्यकता है और ना तेरी रुतबे की आवश्यकता है, हमें सिर्फ एक अपने उस समण भाई की आवश्यकता है जो हमारा एनआरआई यहाँ आया हुआ है। हम अगर सारे यहाँ हो जाएंगे तो इकट्ठे होते ही हम यही इंडिया बना देंगे, फिर हम एनआरआई भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो तो अपना देश उस देश के अंदर बना लेते हैं। फिर तो हर दिन वहां बुद्ध पूर्णिमा है और हर दिन वहां 14 अप्रैल होगा, अंबेडकर जयंती होगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वहां जो लोग इकट्ठे होंगे फिर वो ताकत यहां देंगे, सिर्फ इकट्ठे होने की ताकत, और वहां से जब वो बोलेंगे और गरजेंगे तो यहाँ के लोग बहुत तेज से इकट्ठे हो जाएंगे। हम आपस में परस्पर म्यूचुअल एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से मिलजुल के इकट्ठे होंगे तो हमारी ताकत जो 10 महीने में, जो 10 साल में, जो 100 साल में बननी है, वो 1 साल में, वो 1 महीने में, वो 1 दिन में भी बन सकती है। ये सिद्धांत समर संघ के इतने अच्छे हैं, इतने गजब के हैं कि हर एनआरआई को लिखकर बताना चाहिए, वेबसाइट बनाकर बताना चाहिए, इसकी बुकलेट बता के बताना चाहिए, इसके पंपलेट छपाने चाहिए, इसकी पोस्ट बनानी चाहिए, इसकी वीडियो बनानी चाहिए, इसके जो पॉडकास्ट है उसके अंदर छोटे 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 ऑडियो बनाने चाहिए। हमारे सारे एनआरआई इन चीजों में मास्टर्स हैं, वो चाहें तो हमें भी यहाँ बना के भेज सकते हैं, वो खुद ही बना सकते हैं सारी भाषाओं में, सब में। इससे काम बहुत तेजी से आसान होगा।
यही उनकी ड्यूटी है और यही उनको ड्यूटी करनी चाहिए कि जुड़ना और जोड़ने के संबंध में लगातार लगातार प्रचार प्रसार करें। उनकी कार के पीछे अगर समण संघ लिखा होगा और उसका फोटो यहाँ आएगा तो यहाँ 200 आदमी एक झटके में समण संघ अपनी कार के पीछे लिखवा लेंगे। अगर वहां कोई मोटरसाइकिल पे समण संघ लिखेगा या संघंग नमामि लिखेगा तो यहाँ एक झटके में 10,000 आदमी अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर पे संघंग नमामि और समण संघ का लोगो भी लगा लेंगे। इसलिए ये काम छोटे छोटे लोगों के समण संघ के वो वहां करते रहेंगे तो यहाँ के लोग ऑटोमेटिक उनको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि जब भी कभी NRI दिल्ली आते हैं या किसी और सिटी में आते हैं तो वो सेलिब्रिटी होते हैं हमारे लिए, और वो सेलिब्रिटी होते हैं और हमें उनके साथ फोटो खिंचवाने में फक्र महसूस होता है। हम उस फोटो को जड़ते हैं, मरते हैं, लगाते हैं अपने घर में और हम शान से कहते हैं कि देखो ये हमारे बहल साहब हैं, ये हमारे ओसोराज हैं, ये हमारे अजय जलवान जी हैं, ये हमारे रवि माए हैं, ये हमारे धर्म माए हैं और ये हमारे इतने सारे NRI हैं। और जब फरवरी के अंदर 50 और सैकड़ों NRI यहाँ आएंगे, 200 NRI यहाँ आएंगे तो उनके साथ जो ग्रुप फोटो लोग कराएंगे पूरे दिन फोटो ही चलेगा, क्योंकि वहां जो जगह हम रहने वाले हैं उसमें आधी जगह ऐसी छोड़ेंगे जहां खूब हमारे सेलिब्रिटी मजा कर सकें और आधी जगह ऐसी रखेंगे जहां हम अपने विचार को भी, समण संघ के विचार को भी बता सकें। तो हमारा हर एक सेलिब्रिटी वहां होगा, लोग उसके आसपास होंगे, फक्र महसूस करेंगे, अपने घर जाएंगे, कहेंगे मेरा विदेश में ये भाई है। कोई किसी को कुछ नहीं देता, एक उम्मीद देता है, वो उम्मीद आदमी को राजा से रंक बना देती है और रंक से राजा बना देती है। सिर्फ उम्मीद का खेल है, ये उम्मीद हम उनको दे सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा संघ यहाँ लाखों करोड़ों का यहाँ जिंदा है, और ये एक उम्मीद NRI हमको दे सकते हैं कि उनके भाई वहां जिंदा है। आना जाना तो लगा रहता है, सब अपने अपने खर्चे से आते हैं, अपने अपने खर्चे से जाते हैं, कोई किसी पे बोझ नहीं है, समर संघ का नियम है। पर एक हिम्मत और एक डोर और एक विश्वास और एक यकीन कि मेरा भाई इंडिया में इतने सारे बैठे हैं और मेरे भाई विदेश में इतने सारे बैठे हैं, ये हमको हमेशा जीवित रखती है, ये हमारे दिल की लौ को जीवित रखती है। इसलिए हमको हर हालत में इस काम को करना है, और इस बार दिल्ली 10,000 पार करके ही छोड़नी है, चाहे दुनिया दर्शाधर हो जाए। अगर हम दिल्ली 10,000 पार नहीं कर पाए तो आगे की संभावना हमारी बचने की काफी कम है, क्योंकि 10,000 की संख्या बहुत छोटी होती है। हमारा तो टारगेट अगली बार दिल्ली 62,000 है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू में 62,000 लोग आते हैं और आज तक भी 62,000 लोग हमारे वहां बैठे नहीं है। दिल्ली 10,000 पार करते ही हम दिल्ली 62,000 पर लगेंगे, और दिल्ली 62,000 करने के बाद में फिर हमें कोई मुसीबत नहीं आने वाली, संघ मजबूत हो जाएगा। फिर व्यक्ति आते जाते रहेंगे, कोई मरे कोई जिए, पर संघ यहीं रहेगा, हर व्यक्ति का घर यहाँ रहेगा, फिर हमारी सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shalom, gacchami. Do kiyam pi.
साधु साधु साधु।